दोस्तों, यह है दोस्तों हमारी वॉल हैंगिंग, जहाँ हमें वॉल हैंगिंग लगाना है। ये देख सकते हैं, अब इसमें ये गैप देखिएगा कि गैप कितना क्या रहता है। यहाँ से यह है दोस्तों हमारी वॉल हैंगिंग जिसको हमें इंस्टॉल करना है। अब ये देखिए, यहाँ से ये गैप देखिएगा कि नीचे से कितना रहना चाहिए। ये 8 इंच पे आ रहा है नीचे से, और सेंटर में 10 इंच पे ये देख सकते हैं, और ऊपर का 15 इंच पे आ रहा है, 14.5 पे, और सेंटर में 15.5 पे आता है, ठीक है। और ये जो ब्रेकेट है ज़मीन से देखिएगा, ज़मीन से ये 14 इंच पे आ रहा है, और यहाँ पे भी ये उत्ते पे ही आ रहा है 14.25 पे, और इधर भी 14.25 पे, ये ठीक है। अब हमें इसे जाम करना है दोस्तों, इसे हम जाम करते हैं। पहले इसमें हम सिलिकॉन भर लेंगे, ठीक है। हम सिलिकॉन से करेंगे क्योंकि इसमें हमें वाइसर नहीं लगाना है, ठीक है दोस्तों। वाइसर से नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ वाइसर लगाएंगे हम, और उसमें ऊपर भी सिलिकॉन लगाएंगे, और यहाँ सिलिकॉन लगाएंगे। चलिए आइए बताते हैं, पहले सिलिकॉन लगा के इसको जाम कर देते हैं, फिर इसको चालू करके बताता हूँ। ये देखिए, पहले हमें नॉर्मल सीट लगा लेना है, पहले नॉर्मल लगा लेते हैं, उसको कस के लेवल देख लेंगे, उसका लेवल है कि नहीं बराबर, ठीक है दोस्तों। लेवल पाइप में लाए नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इसको चेक कर लेंगे टेप के सहारे कि जो ऊपर वाली टाइल्स है, टाइल्स के कॉर्नर से कि भाई कितना कितना गैप आ रहा है, ठीक है। अब वहाँ से हम टाइल्स टाइल्स पर जो ऊपर वाली लाइनिंग दिख रही है ये वाली, यहाँ से नाप लेंगे कि कितना कितना गैप हमें आ रहा है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, अभी हम इसको कस लेते हैं। अब उसमें हम ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सिलिकॉन, ये दूसरा डब्बा दिखाता हूँ मैं आपको, तो जब तक खुल जाएगा। ये देखिए, इसको सील, ये सिलिकॉन है हमारा, ठीक है दोस्तों। फेवी सील सिलिकॉन ये लिखा हुआ है, प्लांट है, ठीक है दोस्तों। और डॉक्टर फिक्सिट का है, जिसकी MRP 315 रुपये है, जो कि मार्केट में हमें 250 रुपये में मिल जाता है। ये सिलिकॉन हमने लगा लिया, देख लीजिए, उंगली से या एक्सेलरेटर से अच्छे से लगाएं, पूरी जगह पैक हो जाएगी। देखिए, यूज़ अच्छे से करें, 8 इंच का गैप रहना चाहिए नीचे से, ठीक है, तभी पर्याप्त गैप रह पाएगा नीचे का। अब हम सीट लगाएंगे, ये देखिए ये सीट अब हम लगा रहे हैं पीछे से बराबर चिपका कर। जब उसमें बोल्ट कसेंगे तो पूरा गैप कवर हो जाएगा। रबर वाइसर इसका अच्छे से ध्यान रखें कि रबर और वाइसर इसके अच्छे से लगे। दोनों तरफ हमें टाइट कसना है। I'm going to go to the next one.
अब उसमें स्क्रू कर देंगे। खोल के 2-in-1 एंगल कॉक। ठीक है दोस्तों, पहले मशीन बाहर निकालते हैं फिर लगाते हैं। ये हमारा प्रयाग का देखिए 2-in-1 एंगल कॉक प्लस नल है। ठीक है दोस्तों, और इसमें वारंटी कार्ड आता है ये। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं ये वारंटी कार्ड, और एक पेंच प्लेट आती है, इसमें लिखा है लाइफ टाइम वारंटी ऑन फ्यूचर। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी सीट एकदम सीधी लगी हुई है और एकदम चिपक के लगी हुई है, ये देख सकते हैं। अब दोस्तों पहले हम ये नल एंगल 2-in-1 एंगल कॉक प्लस नल, ये वाला जो है ये लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये प्रयाग कंपनी का है, लाइफ टाइम वारंटी दे रहा है इसकी। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे इंस्टॉल करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये, यहाँ पे सब प्रयाग का ही लगाया है। कर देते हैं, ये हेल्थ जेट है जो कि हाथ से ऑपरेट करते हैं, वीनस कंपनी का है। ये वीनस कंपनी का है दोस्तों। अब इसका मैं प्रेशर दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये दोस्तों हमारा, ये देखिए जेट जो कि हमारी कमोड लग के कंप्लीट हो गई, ये जेट। ठीक है दोस्तों, ये जेट हमारा लग चुका है। ठीक है, क्योंकि समय नहीं बचा था, उस कारण आप लोगों को हम लोग ये इंस्टॉल करना नहीं सिखा बता पाए। ठीक है दोस्तों, ये जेट हो गया, ये नल हो गया, और ये हैंड शावर हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी वॉल बंद है, उस चक्कर में ये ऑपरेट नहीं कर पाए हैं, अभी प्रेशर नहीं दे पा रहा है इस चक्कर में। ठीक है दोस्तों, हमने ये लगाए हैं इधर, और इस तरफ में ये यूरिनल देख सकते हैं आप, दो इंस्टॉल किए हैं ये। अब ये दो हमें तोड़ना है, निकालना है, फिर बदलना है। ठीक है, अब वॉल खोल दिया है, गए हैं हमारे दो मित्र, जो कि हमने वॉल खोल दिया। अब देखिए इसका प्रेशर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय बालाजी।